पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड सीरीज 2022 का ये तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला, और क्या ही जबरदस्त किस्म का मैच हुआ दोस्तों इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। लास्ट ओवर के अंदर गया ये मैच, यहाँ पर फाइनली पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को जीत लिया, और ना सिर्फ उन्होंने इस मुकाबले को जीता बल्कि इस सीरीज के अंदर भी 3-0 से अपना क्लीन स्वीप मुकम्मल किया। टीम नीदरलैंड की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी ही कम है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हुई उनकी, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग हुई उनकी, लेकिन बैटिंग में वो थोड़ा सा चूक गए और पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीते हुए अब हमें दिखाई दी है सिर्फ और सिर्फ 9 रनों से। यहां पर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही आज के इस दिन के अंदर टीम पाकिस्तान की, क्योंकि रन्स बहुत कम थे, लेकिन यहां पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की, खासतौर पर मोहम्मद वसीम जूनियर जिन्होंने 4 विकेटों को किया अपने नाम, और नसीम शाह ने 5 विकेटों को चटकाया। तो पाकिस्तानी फैंस अगर आपको यह जीत अच्छी लगी हो तो जल्दी से जरा वीडियो को लाइक करिए, बल्कि क्रिकेट के फैंस को अगर यह जीत अच्छी मतलब यह मैच अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत ही क्लोज चला यह मुकाबला इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। आज के इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो टॉस हुआ, टीम पाकिस्तान ने टॉस को जीता, और टॉस को जीते हुए उन्होंने इस मुकाबले के अंदर बैटिंग करने का फैसला किया, जहां पर 4 तब्दीलियां टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर कर दी गई। अब्दुल्ला शफी को इमाम उल हक की जगह पर टीम के अंदर जो है वो लाया गया। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर मोहम्मद हारिस टीम के अंदर आए, मोहम्मद रिजवान की जगह पर जाहिद महमूद, शादाब खान की जगह पर और शाहनवाज दानी ही यहाँ पर हारिस टॉफ की जगह पर हमें टीम के अंदर कम बैक करते हुए दिखाई दिए। तो इन एक्सपीरियंस टीम ये टीम पाकिस्तान की, यहाँ पर फ़खर जमान एक पुराने प्लेयर, बाबर आजम एक पुराने प्लेयर, मोहम्मद नवाज़ थोड़े बहुत पुराने प्लेयर, बाकी सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो नए प्लेयर हमें खेलते हुए दिखाई दिए, और एक अच्छी एफर्ट इनकी तरफ से हमें देखने को मिली। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं रही, मिडल ऑर्डर नाकाम रहा, बाबर आजम के सवा कोई भी प्लेयर अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सका। बाबर आजम ने 91 रन के कप्तानी वाले इनिंग्स खेले, सीरीज़ के हाइस्ट रन स्कोरर बने बाबर आजम। यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों मिडल ऑर्डर नाकाम रहा टीम पाकिस्तान का, और 206 रन बनाते हुए ये टीम हमें दिखाई दी, जिसके बाद नीदरलैंड की टीम की बल्लेबाजी आई और नीदरलैंड की टीम बना सकी 197 रन और ऑल आउट हो गई टीम नीदरलैंड 49 ओवर और 2 गेंदों के बाद। इस मुकाबले के स्कोर कार्ड के ऊपर एक नज़र अगर दौड़ाई जाए, अब्दुल्ला शफीक का डेब्यू था लेकिन वो अपने डेब्यू को यादगार नहीं बना सके, आते ही वो बोल्ड आउट हुए। किंगमा की गेंद के ऊपर 2 रन बनाए, 5 गेंदों का किया उन्होंने सामना, 40 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की गई और वो जल्दी आउट हो गए। इसी तरह फखर जमान की अगर बात की जाए तो फखर जमान ने बनाया यहां पर 26 रन 43 गेंदों का किया उन्होंने सामना, 4 चौके लगाए फखर जमान ने। यहाँ पर वैन बीक की गेंद के ऊपर वो बोल्ड आउट हुए, काफ़ी ज़्यादा गेंदें ली गई, विकेट बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं थी दोस्तों, यहाँ पर गेंद बल्ले के ऊपर इतने अच्छे से नहीं आए, और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लो आपको दिखाई दे लगा, लेकिन मैच के अतबार से वो स्ट्राइक रेट बेहतर है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँगा इसके बाबर आजम ने कोई 10 से 15 शॉट्स ऐसी थी जो कि मिडल की, लेकिन वो फील्डर्स के पास खेलते हुए हमें दिखाई दिए। तो 91 रन के एक लाजवाब इनिंग्स खेली बाबर आजम ने, 125 गेंदों का किया उन्होंने सामना, 7 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, और अपनी टीम को इस मुश्किल सिचुएशन से निकाल कर उन्होंने एक फाइटिंग स्कोर बनवाने में एक अहम रोल प्ले किया। जिसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों आगा अली सुलमान की, तो उन्होंने बनाया इस मुकाबले के अंदर 24 रन 42 गेंदों का किया उन्होंने सामना, 1 चौका उन्होंने दे मारा, और आगा अली सुलमान भी जल्दी आउट हो गए ज्यादा गेंदों खेलते हुए, 57 के स्ट्राइक रेट के साथ वो हमें खेलते हुए दिखाई दिए। खुशदिल शाह आज रन आउट हो गए, जब उनकी जरूरत थी वो बाबर आजम के साथ बैटिंग कर रहे थे 2 रन लेने की कोशिश में, खुशदिल शाह आउट हुए। जिसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद हारिस की, तो उन्होंने 4 रन बनाए, मोहम्मद हारिस बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए अभी तक, उन्होंने जो भी मैचेस खेले हैं बल्लेबाजी उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है दोस्तों। यहाँ पर मोहम्मद हारिस को थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान की टीम बहुत ही मुश्किल का शिकार थी, जब हारिस बैटिंग करने के लिए आए थे और उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपनी विकेट को लूज़ किया, और वो यहाँ पर 4 रन बनाते हुए दिखाई दिए। नवाज़ ने 27 रन का कैम्यू खेला, 35 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए उन्होंने, छक्का लगाया उन्होंने। और इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए मोहम्मद वसीम जूनियर की, तो उन्होंने बनाए 11 रन 14 गेंदों का किया उन्होंने सामना, बास डिलीर्स के ऊपर एडवर्ड्स किया तो वो कैच आउट हुए। नसीम शाह 3 रन बना सके, जाहिद महमूद ने 9 रन बनाए और शाहनवाज दानी कोई रन नहीं बना सके, और 7 एक्स्ट्रास की मदद से पाकिस्तान की टीम हमें 206 रन बनाते हुए दिखाई दी इस मुकाबले के अंदर। पाकिस्तान की तरफ से लगने वाली पार्टनरशिप्स की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर आपको बताता चलूं कि अब्दुल्ला शफीक 3 के स्कोर पर आउट हो गए, आते ही आउट हो गए। उसके बाद 50 के ऊपर रन की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली फखर जमान और बाबर आजम के दरमियान, जो कि 18वें ओवर के अंदर जाकर फखर जमान आउट हुए। काफ़ी स्लो बल्लेबाजी रही टीम पाकिस्तान की। उसके बाद तीसरे विकेट 104 के स्कोर पर गिरी, जब आगा अली सुलमान आउट हुए 30वें ओवर के अंदर जाकर।
एंड इसके बाद चौथी विकेट 122 के स्कोर पर खुशदिल शाह की 32वें ओवर के अंदर जाकर गिरी। पांचवी विकेट 135 के स्कोर पर मोहम्मद हारिस की 36वें ओवर के अंदर जाकर गिरी। छठी विकेट 168 के स्कोर पर बाबर आजम की सूरत में 43वें ओवर के अंदर जाकर गिरी। यहाँ पर नवाज 191 के स्कोर पर 47वें ओवर के अंदर आउट हुए। 192 के स्कोर पर आठवीं विकेट मोहम्मद वसीम जूनियर की सूरत में जाकर गिरी। जिसके बाद नौवीं विकेट 206 के स्कोर पर जाहिद महमूद की और 10वीं विकेट 206 के स्कोर पर नसीम शाह की इस मुकाबले के अंदर हमें गिरते हुए दिखाई दी। अगर बॉलिंग की बात की जाए दोस्तों तो आर्यन दत्त ने 10 ओवर्स के अंदर 34 रन देते हुए एक विकेट को किया अपने नाम। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हुई उनकी तरफ से। किंगमा ने 2 विकेट अपने नाम की 15 रन देते हुए 3 विकेटों को बास्टी लीड्स ने अपने नाम किया। एक विकेट शहरेज अहमद ने और एक विकेट को वैन बीक ने किया अपने नाम इस मुकाबले के अंदर। नेदरलैंड की बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो नेदरलैंड की तरफ से विक्रमजीत सिंह ने अच्छी शुरुआत की। 50 रन उन्होंने बनाए, 85 गेंदों का सामना किया, 7 चौके उन्होंने दे मारे। 58 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। मैक्स रूट 3 रन बनाकर नसीम की गेंद के ऊपर आगा ली, सुलमान के हाथों कैच आउट हुए स्लिप की पोजिशन पर। जबकि यहां पर विक्रमजीत को मोहम्मद वसीम जूनियर ने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाया। मूसा अहमद नसीम की गेंद के ऊपर बोल्ड आउट हुए, वाइड ऑफ द क्रीज जाकर नसीम शाह ने एक परफेक्ट यॉर्कर दे मारा उनको और वो बोल्ड आउट हुए। बॉस डिलीर्स की अगर बात की जाए 5 रन बनाए उन्होंने, 12 गेंदों का किया सामना मोहम्मद वसीम जूनियर की। गेंद के ऊपर वो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट होते हुए गए पवेलियन की तरफ वापस। जबकि सबसे बड़ी विकेट इस मुकाबले की मोहम्मद वसीम जूनियर ने की अपने नाम, जब उन्होंने टॉम कूपर को आउट किया। 62 रन बनाए टॉम कूपर ने, 105 गेंदों का किया सामना, 4 चौके लगाए और लास्ट में जाकर बड़ा शॉट लगाते हुए टॉम कूपर मिड विकेट के फील्डर फखर जमान के हाथों कैच आउट हुए। फखर जमान का एक अच्छा कैच जिन्होंने आगे की तरफ डाइव करते हुए गेंद को कैच किया। इसी तरह स्कॉट एडवर्ड्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो उन्होंने बनाए 6 रन, 6 गेंदों का किया सामना। नसीम की गेंद के ऊपर वो बोल्ड आउट हुए। तेजा नसीम की गेंद के ऊपर बोल्ड आउट हुए, 24 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने और मिलकर टॉम कूपर के साथ वो अच्छी पार्टनरशिप लगा रहे थे। और इस वक्त में ऐसा लग रहा था कि टीम नेदरलैंड इस मैच को आसानी जीत जाएगी, लेकिन नसीम ने उनको बोल्ड आउट किया और उसके बाद लगातार बेहतरीन गेंदबाजी हुई। जिसके बाद शेरेज अहमद की बात की जाए उन्होंने 5 रन बनाए, 8 गेंदों का किया सामना और वो रन आउट हुए। आर्यन दत्त ने 5 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना करते हुए मोहम्मद वसीम जूनियर की गेंद के ऊपर वो बोल्ड आउट हुए। और विमियन किंगमा ने 1 रन बनाया, 2 गेंदों का सामना करते हुए नॉट आउट रहे। 17 की मदद से बनाए टीम नेदरलैंड ने यहां पर जो रन्स उनकी तादाद 197। पाकिस्तानी बॉलिंग को अगर देखा जाए दोस्तों इस मुकाबले के अंदर तो यहां पर पाकिस्तान की टीम ने पहली विकेट 10 के स्कोर पर अपने नाम की मैक्स आउट हुए। दूसरी विकेट 26 के स्कोर पर मूसा अहमद आउट हुए। तीसरी विकेट जो है वो 37 के स्कोर पर बास्टी लीड्स। चौथी विकेट 108 के स्कोर पर जाकर गिरी। बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी विक्रमजीत और टॉम कूपर के दरमियान और ऐसा लग रहा था कि टीम नेदरलैंड इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद विक्रमजीत आउट हुए 116 के स्कोर पर। पांचवी विकेट स्कॉट एडवर्ड्स की और उसके बाद एक और बड़ी पार्टनरशिप तेजा और टॉम कूपर के दरमियान लगी 172 के स्कोर पर जाकर छठी विकेट गिरी। सातवीं विकेट 174 के स्कोर पर जाकर गिरी। उसके बाद आठवीं विकेट 189 के स्कोर पर जाकर गिरी। नौवीं विकेट 191 के स्कोर पर और दसवीं विकेट 197 के स्कोर पर। पाकिस्तानी बॉलिंग की अगर बात की जाए तो नसीम शाह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई दोस्तों। आज 10 ओवर्स के अंदर 33 रन देते हुए 5 विकेट को किया उन्होंने अपने नाम और इसी वजह से नसीम शाह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया जाएगा। बहुत ही उमदा बॉलिंग करवाई गई दोस्तों नसीम शाह की तरफ से इस मुकाबले के अंदर, इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर जिन्होंने 10 विकेटों को अपने नाम किया और इस मैच के अंदर 5 विकेटों को चटकाया उन्होंने। शाहनवाज दानी ने 10 ओवर्स के अंदर 37 रन दिए, कोई विकेट नहीं चटकाई। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 9 ओवर्स और 2 गेंदों के ऊपर 36 रन देते हुए 4 विकेट को किया अपने नाम, ये भी उनकी बेहतरीन बॉलिंग रही। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आगा अली सुलमान ने 2 ओवर्स के अंदर 5 रन दिए। जाहिद महमूद ने 8 ओवर्स के अंदर 39 रन देते हुए कोई विकेट को अपने नाम नहीं किया और मोहम्मद नवाज ने 10 ओवर्स के अंदर 41 रन देते हुए किसी भी विकेट को नहीं चटकाया। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की बॉलिंग रही, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस आपको दिखाई नहीं देगा टीम पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर। शानवाज नसीम शाह का ये तीसरा मैच, शानवाज धानी का ये दूसरा मुकाबला, मोहम्मद वसीम जूनियर का ये छठा या सातवां मुकाबला, आगा अली सुलमान का ये तीसरा मुकाबला, जाहिद महमूद का ये दूसरा या तीसरा मुकाबला और मोहम्मद नवाज का ये थोड़ा सा ज़्यादा मुकाबला था, मतलब उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं। तो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन जिन्होंने अच्छा कमबैक करते हुए पाकिस्तान की टीम को ये मुकाबला जितवाया। यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों आईसीसी ओडीआई सुपर लीग के पॉइंट टेबल की तो इस वक्त आपको पाकिस्तान की टीम नंबर 3 पर दिखाई दे रही होगी और पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीतने के बाद भी नंबर 3 पर ही है। पाकिस्तान के पॉइंट्स 110 आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने ये मुकाबला जीत लिया है। तो इस मुकाबले को जीतने के बाद पाकिस्तान के पॉइंट्स अब 120 हो चुके
हैं और वो हमें नंबर तीन पर मौजूद दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े नेट रन रेट से जीतना था टीम पाकिस्तान को अगर उनको बांग्लादेश को क्रॉस करना था, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस मैच को क्लोज जाकर जीती है दोस्तों। तो इस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान की टीम हमें नंबर तीन पर ही मौजूद दिखाई दे रही है 120 पॉइंट्स के साथ। इंग्लैंड की टीम नंबर वन पर 125 पॉइंट्स, बांग्लादेश की टीम नंबर दो पर 120 पॉइंट्स, पाकिस्तान नंबर तीन पर 120 पॉइंट्स, न्यूजीलैंड के पॉइंट्स जो हैं वो 100 हैं। और आज रात के वक्त न्यूजीलैंड और टीम वेस्टइंडीज़ का मुकाबला है, जिसे जीतकर न्यूजीलैंड की टीम के पॉइंट्स 110 हो सकते हैं। अफगानिस्तान की टीम 100 पॉइंट्स के साथ नंबर पाँच पर, इंडिया नंबर छः पर है 99 पॉइंट्स है टीम इंडिया के, और उसके बाद नंबर सात पर मौजूद है यहाँ पर टीम वेस्टइंडीज़, 90 पॉइंट्स है टीम वेस्टइंडीज़ के, और कह लीजिए कि यहाँ पर नंबर आठ पर मौजूद है टीम ऑस्ट्रेलिया जिनके पॉइंट्स 70 हैं। याद रहे दोस्तों कि जो टॉप की आठ टीमें होंगी वो हमें वर्ल्ड कप 2023 के अंदर डायरेक्ट क्वालिफाई करते हुए दिखाई देने वाली हैं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई दोस्तों दोनों ही टीम्स की तरफ से, और एक क्लोज मैच चलते हुए दिखाई दिया इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहां पर पाकिस्तान की टीम ने ना सिर्फ इस मुकाबले को 9 रनों से जीता है, बल्कि सीरीज को 3-0 से कर लिया है अपने नाम।